गोरखपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। रविवार को जिले में नए 239 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है, जिसमें आरटीओ, डाकघर, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉलेज सहित बीआरडी में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,644 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इनमें 68 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,015 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 1,710 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। रविवार को मिले 239 नए मरीजों में शहरी क्षेत्र में 136 और 103 मरीज ग्रामीण क्षेत्र में शामिल हैं। आपको बता दें, गोरखपुर जनपद में रविवार को 239 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 1,710 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 851 घर पर आइसोलेशन में हैं। 68 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,015 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार हेड पोस्ट ऑफिस, बशारतपुर, जटेपुर रेलवे, राम जानकी नगर, कूड़ा घाट, विकास नगर, सिविल लाइन, शाहपुर कैंट, बसंतपुर, बनकटीचक, मोहद्दीपुर, घोष कंपनी, अशोक नगर, दाऊदपुर, जगन्नाथपुर, गोरखनाथ, रामदत्तपुर, सूरजकुंड, तारामंडल, सेंट्रल कॉलेज, जगदीशपुर, राप्ती नगर, राजेंद्र नगर, बिलंदपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, जिला अस्पताल, डीएफओ कार्यालय, बोरिंग शक्तिपुरम कार्यालय, नगर शिक्षा अधिकारी, पुरदिलपुर कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस्माइलपुर, पोखरा टोला, माधोपुर, राजघाट, आज़ाद नगर, मेट्रो हॉस्पिटल, सुमेर सागर, इंदिरा बाल बिहार, मिर्ज़ापुर, अंधियारी बाग, आरटीओ, अस्थाई जेल, गुलाटी अस्पताल, जेपी हॉस्पिटल, डेयरी कॉलोनी, स्पोर्ट्स कॉलेज, कलेक्ट्रेट परिसर, सहारा इस्टेट, गंगानगर, बशारतपुर, पुलिस लाइन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बांस गांव में 3, कौड़ीराम में 15, गगहा में 1, खोराबार में 4, बढ़लगंज में 3, भटहट में 6, सहजनवा में 1, सरदार नगर में 5, ब्रह्मपुर में 1, कैंपियरगंज में 1, चरगावा में 14, गोला में 1, खजनी में 1, पिपराइच में 15, पिपरौली में 7, उरवा में 2 सहित 15 अन्य मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना जाँच की जाएगी। इस इलाके को सील करने के साथ सैनिटाइज का निर्देश दिया गया है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।